तो एक वीडियो में साउंड क्वालिटी का क्या रोल है, एक वीडियो में साउंड क्वालिटी का कितना महत्व है? वेल, अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप यूट्यूब में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो की ऑडियो क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और किस माइक का यूज आपको करना चाहिए, कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके कॉन्टेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट माइक अलग अलग हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि आपके लिए बेस्ट माइक कौन सा होने वाला है, उसकी प्राइस क्या है, और साथ ही साथ आपको लाइव ऑडियो सैंपल्स भी दिखाने वाला हूं कि माइक कितना इफ़ेक्टिव है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है बिना माइक के इनडोर सेटिंग्स पे, और अब ये साउंड आप सुन रहे हैं माइक से रिकॉर्ड होती हुई साउंड और इंडोर सेटिंग पे। आपको क्लियर डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा होगा। इसमें नॉइस काफ़ी कम होगा, कोई भी एडिटिंग मैंने नहीं यूज़ की है, लाइक कि नॉइस रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया है। सीधे वो जो वॉइस आपने सुनी वो डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्डेड थी, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड किया था डायरेक्ट वीडियो के साथ। और अभी जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये माइक से रिकॉर्ड हो रही है विदाउट एनी एडिटिंग। आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये इंडोर सेटिंग है। अगर आउटडोर सेटिंग्स की बात करें तो आप आउटडोर सेटिंग्स के भी सैंपल सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये आउटडोर सूटेड वीडियो है विथ माइक। तो ये सैंपल सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि माइक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है ऑडियो पे, आपके वीडियो के ऑडियो पे माइक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। माइक यूज करने पे काफ़ी सारी बैकग्राउंड नॉइसेस रिड्यूस हो जाती हैं और आपकी वॉइस मच क्लियर और काफ़ी क्लीन सुनाई देती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बोया M1 माइक का रिव्यू करने वाले हैं। यही बेस्ट माइक होता है जो कि ज़्यादातर क्रिएटर कहते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट माइक है, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं। 18-18, 20-20 हज़ार के जो टॉप लेवल के माइक होते हैं वो जो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं आपके ऑडियो पे, वही क्वालिटी आप इससे गेन कर सकते हैं। मैं इसी से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वॉइस। तो चलिए पहले बोया M1 की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद इसकी प्राइस भी डिस्कस करेंगे और किन यूट्यूबर्स के लिए ये बेस्ट है, किन यूट्यूबर्स के लिए दूसरे माइक बेस्ट हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए अब इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी वायर की बात करें, काफ़ी सॉफ्ट वायर है, यहाँ तक कि आपस में काफ़ी उलझने के बाद भी वो एक फंसती नहीं है वायर, लाइक कि आप बड़े आसानी से सुलझा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये जो ये इसका माइक एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप में इसके रिकॉर्डिंग का मेन जोन है ये। हालांकि सराउंडिंग साउंड भी कैच करता है, लेकिन अगर इसे आप अपने जो आपका ऑडियो सोर्स है उसकी तरफ इसका फेस करके रखेंगे तो मच क्लियर वॉइस रिकॉर्ड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो रिकॉर्डिंग जोन है वो टॉप में है। इसके अलावा एक छोटा सा फोम मिलता है इसके साथ में, इसे आप टॉप में अटैच कर देंगे तो इससे जो आसपास की पतले छोटी मोटी नॉइस होती हैं वो काफ़ी हद तक फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसकी वायर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी वायर है, लिटरली काफ़ी बड़ी वायर है। आप अपने कैमरे से 20 फुट तक की 15 से 20 फुट तक की दूरी पर जा सकते हैं और आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की वायर को जनरली हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसके साथ में बोया की लेबलिंग के साथ स्ट्रैप दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपनी इस वायर को टाइड अप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो कंडेंसर होता है, ये DBSR जो बीच में लगा होता है ये कंडेंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेटिंग करने पे। तो आप इस पे देख सकते हैं हमें इस पे एक स्विच मिलता है जिस पे वन साइड कैमरा दूसरी साइड ऑफ एंड स्मार्टफोन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यानी कि जब आप स्मार्टफोन से शूट करेंगे तब आपको यह स्विच स्मार्टफोन या ऑफ की तरफ रखना है, और वहीं जब आप कैमरे पे इसे अटैच करेंगे तब आपको इसकी स्विच कैमरे पे करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कैमरे का मतलब जो DSLR होते हैं उनसे है, स्मार्टफोन के कैमरे से मतलब नहीं है। आप स्मार्टफोन से भी जब शूट करेंगे कैमरा ऑन करके तब भी आपको इस स्विच को स्मार्टफोन या ऑफ की तरफ रखना है। बहुत सारी क्रिएटर इसका यूज़ तो करते हैं लेकिन उन्हें सेटिंग सही से पता नहीं होती, तो वो उन्हें लगता है कि वो एक्चुअली में यूज कर रहे हैं बट इन रियल वो माइक उनके फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं होता और वो सोचते हैं कि हमारी नॉइस रिड्यूस नहीं होती, वॉइस अच्छी नहीं आती। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जब आप कैमरे शूट कर रहे हैं तो इसकी स्विच को ऑफ या स्मार्टफोन की तरफ रखना, तभी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं खास करके इस वीडियो में मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से शूट करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उससे शूट मत करिए, उस पर ऑडियो ये माइक जनरली कनेक्ट होता नहीं है। तो बेहतर है आप ओपन कैमरा एक ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसके सेटिंग पे जाके आप वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। वहाँ से ऑडियो सोर्स में आप जाके एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप ये माइक कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। काफ़ी आसान सेटिंग है। बाकी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट करने में तो आप कमेंट कर दीजिए कि मैं सेपरेट एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। बाकी ईजी है, आप सेटिंग पे जाएंगे, ऑडियो सोर्स में क्लिक करके वहाँ से एक्सटर्नल माइक सेटिंग सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कनेक्ट करेंगे इसे तो ये कनेक्ट होकर प्रॉपरली काम करेगा ओपन कैमरा सॉफ्टवेयर पर, ओपन कैमरा ऐप पर। तो इस तरह से आपको इसको कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन पे अपने रिकॉर्डिंग के वक्त। और एक बात और मैं बता दूं कि जब आप इसे स्मार्टफोन से यूज़ करेंगे यानी इसकी स्विच ऑफ तरफ होगी तो स्मार्टफोन से काम करेंगे तो इसमें जो बैटरी लगती है, ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर एक सेल टाइप की बैटरी लगती है। तो जब आप स्मार्टफोन से शूट करेंगे तो ये बैटरी यूज नहीं होगी, जब आप DSLR से शूट करते हैं तब ये बैटरी यूज होती है। बाकी जब आप स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो ये जो रिक्वायर्ड पावर है ये आपके स्मार्टफोन से ही लेता है ये माइक। तो ये तो बातें हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों के लिए, किस टाइप के यूट्यूबर्स के लिए ये माइक बेस्ट है, इसके बाद प्राइस की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो इंडोर शूट करते हैं यूट्यूबर, लाइक कि मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, टेक वीडियो हो गई या फिर किसी और टाइप की कुकिंग वगैरह की भी वीडियो आप इंडोर ही बनाते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट माइक है। इससे बेहतर कोई भी माइक नहीं हो सकता। जबकि आपके पास अगर सुपर हाई बजट माइक है तो अलग बात है, बाकी आप अगर बजट फ्रेंडली रहने वाले हैं तो इससे बेहतर कोई भी माइक नहीं है। इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। मैं इसे पिछले करीब 1.5 साल से यूज कर रहा हूं और आई एम फुली सेटिस्फाइड। ये माइक मेरा अभी भी काम कर रहा है। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी ड्यूरेबल है ये। तो अगर आपका इंडोर शूट है तो ये माइक बेस्ट है। आप इस तरह से अपनी कॉलर पर अटैच कर सकते हैं और इसके बाद यू आर गुड टू गो। अब बात करते हैं वीलॉगर्स की, खास करके जो आउटडोर जाकर शूट करते हैं या फिर चलते चलते शूट करना होता है जिन्हें, तो वो लोग भी यदि माइक को प्रॉपरली सेटअप कर सकें तो इस तरह कॉलर में यूज करके यूज कर सकते हैं। बट उनके साथ मेन प्रॉब्लम आती है कि जैसे उन्हें चारों तरफ अपनी वो स्टिक या फिर गिम्बल लेके घुमाना होता है तो इसकी जो लॉन्ग वायर है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आप अगर इस प्रॉब्लम के साथ कैरी कर सकते हैं तो ये बेस्ट माइक, नहीं तो आप शॉटगन माइक ले सकते हैं। हालांकि शॉटगन माइक के मैंने सैंपल सुने हैं, इस लेवल के नहीं होते बट फिर भी अच्छे होते हैं। तो व्लॉगर्स चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है इसकी वायर, बट अगर कन्वीनियंस पे जाएंगे तो आपके लिए शॉटगन माइक बेस्ट है व्लॉगर्स के लिए। गेमर्स की बात करें तो अगर आप बजट फ्रेंडली गेमर हैं अभी स्टार्टिंग, तो डेफिनेटली इसे यूज कीजिए, नहीं तो वो गेमर्स जनरली एक्सटर्नल माइक वो बड़ा सा जो होता है वो यूज करते हैं। तो सम अप, अगर आप इंडोर शूट करते हैं किसी भी तरह का वीडियो आपका किसी भी कैटेगरी का है तो ये बेस्ट माइक है। बाकी अगर आप व्लॉगर हैं तो आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट कन्वीनियंस के लिए शॉटगन माइक बेस्ट है। गेमर्स इसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बाकी उन्हें अगर फंकी लुक ये चाहिए ऐसा कुछ तो फिर एक्सटर्नल माइक को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात कि अब ये माइक किसके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग दोस्तों इसकी वेरी करती रहती है, कभी 1500 तक इसकी प्राइस हो रखी है, मैंने इसे 699 पे लिया था, तो इसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे इसका दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस जब आपको लगे कि हाँ अभी प्राइस सही है तो आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोस्ट रिकमेंडेड माइक बोया BY-M1, हर एक यूट्यूबर के लिए बिगनिंग पे जो बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं। और अगर दोस्तों आप अभी तक माइक नहीं यूज करते तो 650-700 रुपये इन्वेस्ट कीजिए अपने चैनल पे, आपकी ऑडियो क्वालिटी सुपर हाई लेवल की हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसा अर्न करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके परचेज कर सकते हैं। सेटिंग आई होप मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है ओपन कैमरा पे जाके, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है सेटिंग पे नहीं बन पा रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। इसके अलावा आप PC पे यूज़ करना चाहते हैं इसका PC भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग थोड़ा अलग होती है, तो PC पे कनेक्ट करके आप सेटिंग कर लीजिए। नहीं बन पा रही आपकी सेटिंग तो कमेंट करिएगा, मैं PC का भी एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि PC पे कैसे आप कनेक्ट करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, सी यू लेटर।